मुझे ऐसा कोई गुरु नहीं है कि मेरी जिंदगी सबके लिए मिसाल बनेगी, मगर ये हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह से ताल्लुक रखता हो, वो ये पढ़े और उसे हौसला मिले, वो ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो उन्हें मजबूरी ना लगे। ये कुछ लाइनें लिखी थी भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कलाम साहब के वो किस्से सुनाने वाला हूँ जिन्हें सुनकर आपके सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा और आप अपने अंदर एक नई एनर्जी फील करोगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों आपको पता है कलाम साहब ने शादी क्यों नहीं की? इसका सिर्फ एक रीजन था और वो रीजन यह था कि कलाम साहब सबसे ज्यादा अपने काम से प्यार करते थे। जिस दिन उनकी सगाई होनी थी उस दिन भी वो अपने काम में इतना बिजी थे कि अपनी सगाई तक भूल गए और उस दिन उन्होंने शादी ना करने का फैसला किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंसान शादी और बच्चे अपनी सेल्फिशनेस के लिए करता है और मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस देश को समर्पित करना चाहता हूं। दोस्तों बात है 10 अगस्त 1979 की। 19 साल की मेहनत, 23 मीटर लंबा SLV-3 रॉकेट 17 टन का वजन लेकर 7:58 पर आसमान में उड़ा। यह रॉकेट 4 स्टेजेस में था और यह सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, यह सपना था उन तमाम लोगों का जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे कलाम साहब। वो रॉकेट पहली स्टेज तो पार कर गया लेकिन दूसरे स्टेज में जाने के बाद रॉकेट ने काम करना बंद कर दिया और 317 सेकंड के बाद कलाम साहब और कई लोगों का सपना कचरा बनकर श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समंदर में जा गिरा। दोस्तों क्या हालत हुई होगी उस वक्त कलाम साहब और उनके बाकी साथियों की जब उनके 19 साल का सपना कुछ ही सेकंडों में समंदर में कचरा बनकर बिखर गया। कलाम साहब कहते हैं कि उस वक्त मैं अंदर से इतना टूट गया कि मैं अपने बिस्तरों में जाकर धस गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन दोस्तों कलाम साहब हार मानने वालों में से नहीं थे। वो कहते थे कि पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता, जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर मिलती है, चोटी पर नहीं। कलाम साहब भी इसी तरह एक एक कदम आगे बढ़ाते रहे और दोस्तों एक साल बाद 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा और अगले 2 मिनट के अंदर रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में था। कलाम साहब ने लिखा है कि उन्होंने उस दिन अपनी जिंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए क्योंकि उस दिन उनके 20 साल की मेहनत अंतरिक्ष में थी। दोस्तों उस दिन हमारा देश उन मुल्कों में शामिल हो गया जिनके पास खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। ये सब हो पाया एक इंसान के मेहनत की बदौलत। दोस्तों जब कलाम साहब को राष्ट्रपति चुना गया तो उनके स्वागत के लिए जोरों शोरों से तैयारियां की गई। राष्ट्रपति भवन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जब कलाम साहब वहां पहुंचे तो वो सिर्फ 2 सूटकेस लेकर पहुंचे। एक सूटकेस में कुछ कपड़े थे और दूसरे में किताबें। इसे कहते हैं किताबों से प्यार। अगर इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहा है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जितना आप किताबों से प्यार करोगे ये किताब आपको उतना ही बड़ा बनाती चली जाएंगी। ये किताबें ही थी जिन्होंने कलाम साहब को इतना बड़ा बना दिया। आपको पता है पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब सादगी और ईमानदारी जैसे गुणों की मिसाल थे जो आज के राजनीतिक परिदृश्य में दुर्लभ हो चले हैं। एक बार कलाम साहब का पूरा परिवार उनसे मिलने दिल्ली आया। उनके 90 साल के बड़े भाई से लेकर उनके 1.5 साल की परपोती तक टोटल 52 लोग थे। सभी को राष्ट्रपति भवन लाया गया जहाँ पर वो 8 दिन रुके। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 8 दिनों में जितना भी खर्चा हुआ चाय से लेकर खाने तक का वो सारा खर्च कलाम साहब ने अपने पर्सनल अकाउंट से दिया। करीब 3,52,000 रुपए का चेक काटकर राष्ट्रपति कार्यालय को भेजा। इसलिए कलाम साहब ईमानदारी की मिसाल थे, ना जात धर्म ना कोई भेदभाव। मैंने कुछ लाइनें पढ़ी थी जो कलाम साहब के लिए कही गई थी। था बंदा इस्लाम का वो पर कभी ना ऐठा करता था, जब भी चाहा संतों के चरणों में बैठा करता था। दोस्तों कलाम साहब ने कुछ बातें कही थी जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां। खुदा ने ये वादा तो नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने ये वादा तो नहीं किया कि सूरज होगा तो बादल नहीं होंगे, खुशी होगी तो गम नहीं होंगे, सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा। ये जिंदगी की सच्चाई है कि अगर हमें एक सांस लेंगे तो एक सांस छोड़नी पड़ेगी, अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। इसलिए अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों कलाम साहब ने तो कर दिखाया, तभी तो आज भी हम कलाम साहब के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपके भी है कुछ ऐसे ही सपने तो उनके लिए आज ही चलना और जलना शुरू कर देना और अपने हौसलों को उड़ान देने के लिए मोटिवेशनल विंग्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।